बहता का उल्टा चश्मा। ओ तेरी तमे, ओए कौन है? ये तो भक्ति के मम्मी पापा है। हाँ, पर आप लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जरूर चोरी करने आए होंगे। मैंने नहीं बताया था, चोर की एक गैंग है, परिवार की भेष में आती है, चोरी करके भाग जाती है। ये वही लोग है। उत्तरी की? हार और बोधक तो सही सलामत है। ओए, आप लोगों को शर्म नहीं आती? चोरी करने आए? नहीं नहीं, हम चोर नहीं है। हाँ। ओए सच सच बताओ, इतने क्या करने आए थे? वरना मजबूरन मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। नहीं नहीं छोटी अंकल, पहले बड़े अंकल को फोन करते हैं। हाँ, ये भी करेक्ट है। हाँ। सोड़ी? हाँ बोलो सोड़ी। ओ पिरू, तू फौरन थल्ले आ जा। क्यों, क्या हुआ? ओए पंडाल में चोरी होते होते रह गई है। क्या? तू बस छेती थल्ले आ जा। देखा माजी, मेरा सपना सच निकला, मंडप में चोर आए हैं। हाँ, अब मेरी समझ में आया कि मुझे सपना क्यों आया था। पापा ने मुझे पहले ही अलर्ट कर दिया था। हाँ बोल छोड़ी, क्या हुआ? आप लोग, अरे ये तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चोरी। भिड़े भाई, ये लोग आधी रात को चोरी करने के लिए आए थे। मैंने एक गल समझ में नहीं आई कि तुसी लोग पंडाल में गए कब? हाँ। तुम जब यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के दिन भर की थकान मिटा रहे थे ना, तब मैंने पहले ही बोला। आप लोग मंडप के अंदर क्या कर रहे थे? वो मेरी अंगूठी खो गई थी, हम लोग उसी को ढूंढ रहे थे। हाँ। ओए खबरदार, जो झूठे बहाने बनाए तो सच सच बताओ, चोरी करने आए थे ना? नहीं नहीं, हम लोग चोर नहीं है, हम लोग यहाँ मेरी अंगूठी ढूंढने आए थे। आपकी अंगूठी यहाँ खो गई है? हाँ। तो जब अंगूठी खो गई थी तब क्यों नहीं ढूंढी, अभी क्यों ढूंढ रहे? हाँ। वो हमें घर जाकर पता चला कि मेरी अंगूठी खो गई है। बेड़े अंकल, लगता है ये अंकल ना हमें गोल गोल घुमा रहे। नहीं नहीं, हम सच बोल रहे हैं, इनकी अंगूठी यही गुम हो गई है। एक मिनट, अब्दुल भाई तो गेट बंद करके आए थे, तो फिर आप लोग अंदर कैसे आए? हाँ, तो भाई अब्दुल, तुमने गेट बंद किया था कि नहीं? हाँ बड़े भाई, मैं गेट बंद करके आया था, ताला लगा के आया था। ये देखिए चाबी। हाँ। तो फिर तुम लोग अंदर कैसे आए? अरे बोलो। ओए दीवार कूद के आए होंगे, चोर लोग ऐसे ही आते हैं। अरे भाई साहब प्लीज हमारी बात मानिए, हम लोग चोर नहीं है। चलो मान लेते कि आपकी अंगूठी गुम हो गई, लेकिन आप लोग मंडप में क्या कर रहे थे? अंगूठी तो कहीं भी गुम हो सकती है ना। अरे बोलो, मंडप में क्या कर रहे थे? दसो। वो हम पापा से प्रार्थना कर रहे थे कि इनकी अंगूठी मिल जाए। वो अंगूठी मेरे लिए बहुत कीमती है, वो मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। ये टप्पू, तू एक बात नोटिस की यार, ये अंगूठी को लेकर इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, और वो लड़की को देख, पापा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है,
उसे ये सब बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गोली, मुझे तो लगता है कि वो ना पापा से प्रार्थना कर रही है कि वो अंगूठी मिल जाए। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसे समझाया गया हो कि उसे किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करना। गोली, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? हाँ यार, देखिए हमारी बात का विश्वास कीजिए, हम सच बोल रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ इनकी अंगूठी ढूंढने आए हैं। भीड़े भाई, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हम लोग सच बोल रहे हैं, ये देखिए अंगूठी का निशान, मेरी अंगूठी यही कहीं गिर गई है, हम लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ, इनकी अंगूठी मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज हम पर भरोसा कीजिए, अगर इंसान इंसान पे विश्वास नहीं करेगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? ठीक है, चलो हम सब मिलकर आपकी अंगूठी ढूंढते हैं। हाँ, चल चल चलो चलो, बच्चों तुझे इधर देखो।